हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्लब ऑन यूट्यूब। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली, राइट। यहां पर कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर मेरे पास भी एक पेज है इंस्टाग्राम पे और अगर मेरे पास भी कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब मैं आपको अपना पेज दिखा देता हूँ। ये मेरा एक पेज है गैंगस्टर्स ऑफ फूड के नाम से, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, राइट। अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा क्लियरली दिखे, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कितना दिख रहा है। आई गेस आपको उल्टा दिख रहा है, मैं बता देता हूँ 17.6K, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सीधा उल्टा कर देता हूँ, तो शायद आई गेस आप ऐसे समझ पाए, नहीं ऐसे समझ पाएंगे, सॉरी। तो 17.6K अभी मेरे फॉलोअर्स हैं। तो एटलीस्ट इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 10,000 तक आप एटलीस्ट कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे गेन कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, राइट। यहाँ पर मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि आप कौन से हैशटैग यूज करो, कौन से रिलेवेंट टाइटल यूज करो, कौन सी चीजें ये करो, कौन सी चीजें वो करो। उन सब चीजों के लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप जाके वहां पर उन वीडियोज को देख सकते हो। कम से कम 30 से 35 वीडियो इंस्टाग्राम से रिलेटेड बना रखे हैं, आप एक एक चीज बारीकी से समझ सकते हो, उन वीडियोज को भी देख सकते हो अच्छे से, अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं तो, राइट। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आपको एक चीज तो मालूम होगी कि जब नया नया इंस्टाग्राम का क्रेज चढ़ता है तो हम स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे अकाउंट्स को, कि देखते हैं वहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड, ट्रैवल या फिर फूड या फिर ऐसे ट्यूटोरियल्स या फिर ब्यूटी से रिलेटेड काफी लोग वीडियोस बनाते हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि यार चलो हम भी फटाक से अपना एक नया पेज क्रिएट करते हैं, हम भी अपने टैलेंट को शो करते हैं, राइट। हम लोग भी अपने फील्ड में जाते हैं, हम लोग ऐसा नीच पकड़ते हैं कि जहाँ पे हम लोग अपने टैलेंट को शो करें और हम भी फॉलोअर्स गेन करें हमारे पेज पे और हम फॉलोइंग मतलब फेमस हो जाए इंस्टाग्राम पे। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार लोग अपने पेज बना लेते हैं लेकिन उनकी सीरियसनेस ही नहीं रहती इन चीज़ों को लेके। लाइक अगर उन्होंने पेज बनाया तो वो स्टार्टिंग में वो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या कैसे तैसे थ्रू करके फॉलोअर्स तो गेन कर लेते हैं, समझ लीजिए 100, 150, 200 फॉलोअर्स गेन कर लिए और उनके 25, 30, 50 लाइक्स आ गए तो वो खुश हो जाते हैं, फिर वो क्या कंटिन्यू करते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद वो छोड़ देते कंसिस्टेंसी, उसके बाद क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार हमारे उस पेज पर इतने फॉलोअर्स हैं, चलो आज हम सेल्फीज डालते हैं, तो क्या होता है फिर वो सेल्फीज डालने लग जाते हैं, कई बार वो शूज़ की पिक डाल देते हैं, कई बार वो कुछ ऐसे पिक्स डाल देते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हम वहाँ पर हैं, इस टाइप की पिक्स डाल देते हैं। तो क्या होता है, जहाँ पे जो ऑडियंस है आपकी, वहाँ पे वो आपके फ्रेंड्स नहीं है, वो आपके ऑडियंस है अभी, राइट। आपने वो पेज बनाया है कि आप अपने टैलेंट को शो करो, तो यहाँ पे आपका टैलेंट तो शो हो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग अभी इतने पर्सनली इतने फेमस नहीं हुए, राइट, इतने पॉपुलर नहीं हुए कि हम साइड का पोस्टर फेस का कट डालेंगे तो लाइक्स आ जाएंगे 1,000-2,000, पैर की हाथ की कोनी डाल दी तो उसमें लाइक्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप सेलिब्रिटी नहीं है तब तक ऐसे कुछ नहीं होगा कि आपने शूज़ की पिक डाल दी, आज मैंने ये शूज़ पे मतलब परचेज किए, मैंने आज ये मोबाइल फ़ोन परचेज किया तो उसकी पिक डाल दी, तो ऐसा नहीं होता गाइस। ऐसे इतने पॉपुलर नहीं है कि आपकी हर एक चीज़ को फेमस किया जाएगा, पसंद किया जाएगा, राइट। उस स्टेज पे जाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपने जो भी कंटेंट पेज बनाया है उसी कंटेंट से रिलेटेड पेज पे फोटोग्राफ्स आप अपलोड कीजिए, वीडियोज़ अपलोड कीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि हमारा जो कंटेंट है हमें वही सर्व करना है, क्योंकि आप जो भी चीज सर्व करेंगे सामने ऑडियंस के, उनको वो वैल्यू ऐड होगी उनके लाइफ में और उनको वो चीज देखने को मिलेगी तो वो पसंद करेंगे, ऐसे ही 10 जने और देखेंगे तो आपके फॉलोअर्स भी आएंगे आपके पेज पे, राइट। तो आपको पेज पे वही कंटेंट डालना है जो आपका फील्ड है, जो आपका नीश है, जिस भी चीज से रिलेटेड आपने अपना पेज बनाया, तो वहां पर एक्स्ट्रा फोटोज अपलोड मत कीजिए। अब आते हैं गाइस सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट पे गाइस मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो इज अ गेम चेंजर, राइट, गॉट इट, वीडियो इज अ गेम चेंजर। और वीडियो से रिलेटेड मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज के दौर पे सबसे ज्यादा वीडियो प्रेफर करते हैं, लाइक आप हो या मैं हूँ, हम ज्यादातर वीडियोज ही देखना पसंद करते हैं। आज यूट्यूब और टिकटॉक सबसे ज्यादा क्यों चलते हैं, राइट। अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा कि जाके आप इस वेबसाइट के बारे में पढ़ लो या गूगल पे सर्च कर लो पढ़ लो, तो आप कोशिश ये करोगे कि उस चीज़ के बारे में आप वीडियो देखना पसंद ज़्यादा करोगे, क्योंकि जो हम विजुअली देख पाते हैं उसको हम इजीली समझ पाते हैं। कई बार तो ऐसे वीडियोज होते हैं जिनको आप म्यूट करके भी देखते हैं और आपको ईजिली समझ में आ जाता है, तो उसका पावर है। तो एंगेजमेंट वीडियो से सबसे ज़्यादा आती है, तो आप वीडियोज़ आज से बनाना शुरू करें।
मैंने काफ़ी पहले वाले वीडियोस में भी कहा है कि आप IGTVs पे भी सबसे ज़्यादा ध्यान दें अगर आप एक इंस्टाग्रामर हैं। तो आप अगर नए बिगिनर हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी नीचे कोई भी फील्ड है उससे रिलेटेड आप अपने IGTV वीडियोस बनाएं और नॉर्मल जो 55 सेकंड्स की जो वीडियोस होते हैं इंस्टाग्राम पे वो भी डालो, राइट। तो उससे भी आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। एंगेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन टिकटॉक। सब जगह एंगेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी फॉलोअर्स मिलते हैं और यहाँ पे एंगेजमेंट बहुत जल्दी आता है। यहाँ पे बहुत जल्दी फास्ट स्क्रॉलिंग होती है जैसे टिकटॉक पे होती है, राइट। इसलिए टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब प्लेटफॉर्म्स ही वीडियो के पीछे चल रहे हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये एग्जांपल था मेरा कि आप कोई भी चीज़ देखते तो वीडियो ज़्यादा प्रेफर करते तो आप वीडियो पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, राइट। तो यहाँ पर आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं गाइस। सो तीसरे पॉइंट पे आपको स्पेशली ध्यान देना है गाइस आपके पेशेंस लेवल पे, राइट। आज अगर आपने कोई पेज स्टार्ट किया है और आपने देखा कि इसके पेज पे इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने दिन में इसके वो आ रहे हैं, तो हो सकता है उसके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, वो अपने लिंक्स को फॉरवर्ड कर रहा हो सकता हो कि भाई उनके क्वालिटी इमेजेस आ रही हो जाके इंस्टाग्राम उनके पेज को प्रमोट कर रहा है। तो आप भी ऐसा कीजिए। और मैं आपसे गाइस ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके आप शॉर्टकट मत यूज़ कीजिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पेज बनाया, एक महीने बाद आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, बहुत सारे लाइक्स आने शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता है। इंस्टाग्राम पे भी आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं। बट यहाँ पे हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा आपको सीरियस होना पड़ेगा और टाइम की कंसिस्टेंसी रखिए, हर दिन आपको पोस्ट करने हैं, राइट। पोस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा उसका और आपको ऑडियंस अच्छी मिलेगी। उसी के साथ ही आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। एटलीस्ट साल भर तो आप मान के चलो कि किसी प्लेटफॉर्म पे आप अगर अपना टैलेंट शो कर रहे हो तो कम से कम आपको उसको साल भर देना पड़ेगा। आज हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो साल से दो साल तीन साल लग जाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे आपको कम से कम साल से डेढ़ साल देना पड़ेगा। आज मैंने भी साल से डेढ़ साल दो साल दिए तब जाके मैं 17.6 पे आया हूँ। आने वाले टाइम पे 20 भी होंगे, 30 भी होंगे आप लोग की प्यार से। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही वैल्यू प्रोवाइड करें ताकि लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू मतलब ऐड हो। आज देखिए मेरा पेज है फूड ब्लॉगिंग के हिसाब से, राइट। तो मैं फूड की फोटोग्राफी करता हूँ तो लोगों को एक क्रेविंग होती है, उनकी इच्छा जागती है, तो वो खा नहीं पा रहे अभी इस टाइम पे, तो वो क्या करते हैं फोटो को लाइक करते हैं, राइट। तो उससे एंगेजमेंट बढ़ जाता है, तो ये भी एक उनकी इंटरेस्ट का पार्ट है। तो आप भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आइए और इंस्टाग्राम पे यहाँ पर ये चीज़ों को स्टेप्स को फॉलो कीजिए, राइट। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर टोटली कि आपको ऑर्गेनिकली कैसे आपको स्टैंड करना है आपके इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे, अगर आप भी इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाहते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स लाना चाहते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये गाइस, आने वाले टाइम पे फ्यूचर में आपको यहाँ पे अर्निंग का सोर्स भी मिलेगा गाइस। अभी तो नहीं है बट आने वाले टाइम पे हो जाएगा। जो अभी बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको तो है ही, बट आने वाले टाइम पे अगर आप भी एक ब्रांड बन गए, आप भी एक अच्छे पॉपुलर क्रिएटर बन गए, तो डेफिनेटली आप भी अर्निंग कर पाएंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्नो क्लब, टेक केयर।